हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गाइस, अगर आप डोमेस्टिक प्रोसेस में जाना चाहते हैं, डायरेक्ट आप इंटरनेशनल प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं, फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, अपने स्किल्स आप इंप्रूव करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आज की जिस लेटेस्ट जो अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ शेयर करने वाला हूँ टोटली आपकी डोमेस्टिक प्रोसेस पर रहने वाली है। और इस कंपनी का बेसिकली आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, बेसिकली इस कंपनी का नाम है टेक महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड। टेक मेंटरी की बात करें तो बीपीओ सेक्टर की एक टॉप मोस्ट कंपनी में से एक है गाइस। इसमें मल्टीपल आपको जो प्रोसेस देखने को मिल जाते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही इसमें देखने को मिल जाते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं तो आप एज सून एज पॉसिबल आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके इंटरव्यू के राउंड ऑलरेडी ओपन हो गए हैं, ये 8 अगस्त तक यहाँ पे इंटरव्यू होने वाले हैं अगर आप डोमेस्टिक प्रोसेस में जाने वाले हैं। और काफी बल्क में इसमें हायरिंग चल रही है गाइस, तो मैं रिकमेंड करूंगा जितने जल्दी आप इंटरव्यू देने वहाँ पर जाएंगे उतनी जल्दी आप वहाँ पर सिलेक्शन होने वाला। अगर आपको एवरेज कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर। और गाइस, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आजकल आई फ्लू काफी फैल रहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा जिसको भी आई फ्लू है तो उससे आप दूर रहिए, और जिसको भी आई फ्लू हो गया तो आप 2-3 दिन मैं रिकमेंड करूंगा घर पे रेस्ट कीजिए, अपने प्रॉपर आई ड्रॉप लीजिए, आई ड्रॉप डालिए रेगुलर बेसिस में 3-4 बार डालिए, और जो भी आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है दवाइयाँ वो 2-3 दिन तक कंटिन्यू खाइए, आपका जो है नॉर्मल हो जाएगा। करेंटली इसके लक्षण जो है मुझे भी जो है होने लग गए थे। करेंटली अभी मुझे आई फ्लू है, प्रॉपर मेरा सही नहीं हुआ है, मैंने भी बहुत यहाँ पे ड्रॉप डाली है, मैं दिन के 3-4 बार यहाँ पे अपनी आंख में दवाई डाल रहा हूँ, आई ड्रॉप डाल रहा हूँ, और जो भी मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया दवाई वही डोज में 2-3 बार यहाँ पे ले रहा हूँ गाइस। सो गाइस, करंटली टेक महिंद्रा जिस शानदार प्रोसेस के लिए हायरिंग कर रहा है तो मैं आपको जो पूरी डिटेल यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। सो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो जैसे आप लिंक को ओपन करेंगे आपको एक्सेस होने वाला है ये हायरिंग फॉर डोमेस्टिक वॉइस प्रोसेस टेक महिंद्रा नोएडा। बेसिकली नोएडा बेस्ड कंपनी है और टोटली डोमेस्टिक प्रोसेस पे अभी हायरिंग इनकी ऑन है गाइस। और गाइस, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि 1-3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब अगर आप एज अ फ्रेशर भी अप्लाई करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है। इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि 30+ वैकेंसी है, काफी बल्क में इसमें हायरिंग है गाइस। और गाइस, सैलरी की बात करें, सैलरी यहाँ पे आपकी 2,25,000 पर एनम की है, सैलरी यहाँ पे नेगोशिएट आप यहाँ पे कर सकते हैं गाइस। और गाइस, इसमें ऑलरेडी मेंशन है जॉब लोकेशन आपकी नोएडा उत्तर प्रदेश होने वाली है। और बात करें इसमें टाइम एंड वेन्यू की, इसमें ऑलरेडी मेंशन है 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त तो यहाँ पे जो ऑलरेडी इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। आज इंटरव्यू की टाइमिंग्स की बात करें तो 12 बजे से लेके 6 बजे तक ये जो है इंटरव्यू की टाइमिंग्स रहने वाली है। एड्रेस की बात करें, एड्रेस का नॉलेज बोलबर्ट A84 Sector 62 नोएडा, 1st फ्लोर Tower B पे इनका जो है ऑफिस रहने वाला। तो गाइस, अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इस एड्रेस पर आप जा सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर इसमें ऑलरेडी मेंशन है, आपके उन लोगों को इशू है तो एक बार आप जो है इनको मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू एक बार आप कंफर्म यहाँ पे कर सकते हैं, और जो भी आपके डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे एचआर का नंबर ऑलरेडी मेंशन है, एचआर का नंबर की बात करें यहाँ पे 7039062 का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मेंशन है, तो इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जल्द से जल्द गाइस। और गाइस, इसमें बात करेंगे यहाँ पे जो भी इनको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, गुड इंग्लिश वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आपको जो है यहाँ पर इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। कोई भी आप जो इंटरव्यू में जा रहे हैं तो बेसिक आपका जो भी वर्क होगा वो तो आप डोमेस्टिक क्लाइंट ही होंगे, लेकिन आपके जो इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं वो मोस्टली आपके इंग्लिश में ही देखने को मिल जाते हैं गाइस। अगर आपका एवरेज भी है, आप बोल लेते हैं, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली एवरेज कैंडिडेट का भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंट वहाँ पर होना चाहिए। जो भी आप बोल रहे हैं उसमें एक कॉन्फिडेंट आपका दिखना चाहिए, चाहे आप कुछ गलत भी बोल रहे हैं लेकिन आप बोल रहे हैं तो वो चीज़ें मैटर करती हैं बीपीओ सेक्टर में। और गाइस, ऑलरेडी मेंशन है कि मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे 12 महीने का चाहिए, 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो ऑल प्रोसेस में आप जो अप्लाई कर सकते हैं, इस प्रोसेस के लिए यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे एक्सपीरियंस 1 ईयर का रखा है गाइस। और गाइस, मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे बीपीओ टेक महिंद्रा की बात करें, यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस चलते रहते हैं, अगर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, फ्रेशर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वही सुनेंगे गाइस। और गाइस, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि बीपीओ इंडस्ट्री रहने वाली है, और इसमें बात करके शुड बी कंफर्टेबल विद रोटेशनल शिफ्ट, आप जो है कंफर्टेबल होना चाहिए, 100% वर्क फ्रॉम ऑफिस की जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, जॉब लोकेशन नोएडा होने वाली है, इमीडिएट ज्वाइनर की यहाँ पे यहाँ इनको नीड है गाइस। सो गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टोटली अप्लाई करने का आपको लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर दिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जल्द से जल्द जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिए, सारे आप एक बार खुद को यहाँ पे सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप एज अ फ्रेशर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो एचआर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको बेस्ट यहाँ पर प्रोफाइल आपको बताने वाली है, या डायरेक्टली फेस टू फेस इनके जो इंटरव्यू के राउंड वॉक इंटरव्यू जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि बीपीओ सेक्टर में एनी टाइम यहाँ पर वैकेंसी रहती है। अगर आपकी 12th पास भी कंप्लीट हुई है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुई है, तो आप डायरेक्टली इन बीपीओ सेक्टर में अपना इंटरव्यू ले जा सकते हैं गाइस। तो गाइस, आप जल्द से जल्द यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर एक जॉब की नीड है आपको जनरल।
सो गाइस फिर भी आपके मन में कोई इशू है, कोई डाउट है, तो मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में फजफन दे सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी जो पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा गाइस। सो आई होप गाइस वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।